नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको टेलीफोन के इतिहास के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस अद्भुत उपकरण ने कैसे संचार, संवाद, समय और दूरी को नए आयाम, नए मायने दिए हैं। मोबाइल से खेलने वाले बच्चे इस बात की शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आज से 100 साल पहले कैसे लिखित संदेशों को भेजने में कई कई सप्ताह लग जाते थे। जी हाँ, मोर्स कोड में भेजे जाने वाले टेलीग्राफ से शुरू होकर कॉर्डलेस टेलीफोन तक और उसके बाद की दुनिया कितनी बदल गई है। टेलीफोन की असल शुरुआत के बारे में कई विवाद हैं। फिर भी जिस महान हस्ती और धुरंधर आविष्कारक का नाम सबसे अग्रणी है, वे हैं अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिनकी खुद की माँ सुनने की शक्ति खो चुकी थी और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मूक बधिरों के जीवन को सवारने में लगा दिया। ग्रैहम बेल अपने संस्मरण में अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं, मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं गेहूं के खेतों में बैठकर फसलों के बढ़ने की आवाज को सुना करता था। मेरी माँ आवाज सुन नहीं सकती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ के कपाल के पास अपना मुंह किया और जोर से आवाज लगाई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने मेरी आवाज सुन ली। इस अनुभव के द्वारा मैंने सीखा कि उनके सर की हड्डियों के कंपन द्वारा मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंची थी। उनका जन्म 3 मार्च सन 1847 में स्कॉटलैंड के पर्वतीय शहर एडिनबर्ग में हुआ था। यकीनन बालक अलेक्जेंडर पर अपने माता पिता का बचपन से ही बहुत प्रभाव पड़ा था। उनके मित्र और सगे संबंधी उन्हें एलेक के नाम से पुकारते थे। उनके पिता अलेक्जेंडर मेलविल बेल अपने पिता से यानी ग्रैहम बेल के दादाजी से प्रेरित एक सफल वक्ता और बधिरों के शिक्षक थे। उनकी माता एलिजा ग्रेस सिमंड बेल 12 साल की उम्र से सुन सकने की शक्ति खोने के बावजूद एक बहुत ही निपुण पियानो वादक थी। उनका बचपन प्रकृति की भूल भुलैया में मूक बधिरों के बीच वाचन कला और पियानो संगीत के साथ गुजरा। इन सब अनुभवों के असर से उनमें कला, विज्ञान और तकनीकी में अंतर्मुखी प्रतिभा का विकास हुआ। लेकिन बाद में जब वो 14 साल के थे तो लंदन गए और वहाँ अपने दादा की सरपरस्ती में उनकी प्रतिभा में काफी निखार आया। जब वो 16 साल के हुए तो उन्हें लंदन में स्पीकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन को देखने का मौका मिला। ये मशीन मानवीय आवाज से मिलते जुलते शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। वापस जब घर आए तो उनके पिता ने एलेक और उनके बड़े भाई मेली को बोलने वाली मशीन का यांत्रिक मॉडल बनाने की चुनौती दी। इसके लिए उन्होंने कसाई की दुकान से भेड़ के ध्वनि यंत्र यानी वॉइस बॉक्स का पहले व्यावहारिक ज्ञान का तजुर्बा लिया। मेली, मेली, बोलो भाई। भाई ये देखो, ये भेड़ के बच्चे के स्वर यंत्र से हूबहू मिलता जुलता मॉडल है। अरे वाह, तुमने तो इसे बड़ा अच्छा बनाया है। इतना ही नहीं मेली, ये मॉडल काम भी करता है। अब देखो, मैं इसकी इस नली में मुंह से हवा भरूंगा। सुनो,
सुना तुमने? इससे निकलने वाली आवाज सुनी? अरे वाह, तुम वाकई बहुत जहीन और तेज हो। तुम एक दिन जरूर कोई बड़ा काम करके दिखाओगे। धन्यवाद मेली। इस तरह बचपन में ही खिलौने के बजाय ध्वनि के साथ खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो बालक एलेक के मन में कहीं एक सपना संजो गया, जो कालांतर में टेलीफोन के रूप में सामने आया। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने और डिग्री प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक लंदन यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाई भी की, पर फिर उसे छोड़कर उन्होंने मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक साल बाद सन 1870 में बेल परिवार अमेरिका के बॉस्टन शहर में आ बसा। बॉस्टन अपनी शिक्षण संस्थाओं के लिए अमेरिका का एडिनबर्ग कहा जा सकता था। कुछ वर्ष बाद सन 1873 में वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त किए गए, जिससे विज्ञान जगत में उनकी पहचान और बढ़ गई। हालांकि ग्रहम बेल में एक आविष्कारक के रूप में बड़ी कल्पनाशीलता और काबिलियत मौजूद थी, मगर यांत्रिक हुनर व प्रायोगिक कौशल का अभाव था। इसलिए जब विद्युत उपकरण की एक दुकान पर उनकी मुलाकात एक 20 वर्षीय युवक थॉमस वॉटसन से हुई, तो अपने मित्रों की आर्थिक मदद से उन्होंने उसे अपना सहायक रख लिया। आगे चलकर वॉटसन की विद्युत के बारे में निपुणता ने ग्रहम बेल की कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर क्या था, वो अपनी कल्पना और ज्ञान को कार्य रूप देने में जुट गए। सन 1875 दिन 2 जून, ग्रहम बेल और थॉमस वॉटसन अलग अलग कमरों में बैठकर एक तकनीक जिसे हार्मोनिक टेलीग्राफ कहते हैं उस पर प्रयोग कर रहे थे। वॉटसन सर, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हम जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी सर, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा सुनो जी, तुम अपने कमरे में जाओ और रिसीवर के डायफ्राम पर निगाह रखना, शायद आज हम कुछ और आगे बढ़ सके। जी सर, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। ठीक है। ग्रहम और वॉटसन दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि रिसीवर उपकरण डायफ्राम प्रेषण उपकरण के कंपनों के अनुरूप ही कंपित होने लगा। फिर एक दिन दुर्घटना से धातु का एक टुकड़ा उसके रिसीवर में फंस गया। ये काम नहीं कर रहा, लगता है इसमें कुछ फंस गया है। अब मैं क्या करूं? वॉटसन जी बॉस, क्या तुम्हारे रिसीवर के डायफ्राम में कोई कंपन है? हाँ बॉस, हाँ। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आवाज, कहीं ये आवाज वॉटसन के कमरे से तो नहीं आ रही? वॉटसन, वॉटसन, तुमने कुछ किया क्या? नहीं बॉस। फिर ये आवाज कहां से आई? तुमने आवाज सुनी थी ना? जी हाँ, मैंने भी सुनी थी। मैं सुनी थी वो आवाज। लगता है वॉटसन, हम कामयाबी के बिल्कुल पास हैं। हाँ बॉस। इस प्रकार ध्वनि को तार के माध्यम से प्रेषित करने का ये प्रयोग जारी रहा, और कालांतर में ग्रहम बेल वाणी की ध्वनियों को तार के द्वारा, चाहे अस्पष्ट ही सही, भेजने में सफल हो ही गए। ग्रहम बेल को एक शंका थी कि कोई उनसे पहले बाजी न मार ले,
इसलिए 14 फरवरी 1876 में उन्होंने एक धनी उद्योगपति और बॉस्टन शहर के मशहूर वकील गार्डिनर ग्रीन हबर्ड की तरफ से पेटेंट के लिए आवेदन अदालत में दे दिया। ग्रहम ने अपने यंत्र का नाम टेलीफोन दिया था। टेली का मतलब दूर और फोन का मतलब आवाज, यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि को दूर पहुंचाए। यकीनन ग्रहम बेल किस्मत वाले थे। इसी ही दिन एक अन्य वैज्ञानिक एलिशा ग्रे, जो इसी तरह के आविष्कार में जुटे हुए थे, उन्होंने भी पेटेंट के लिए अर्जी दी थी। ये संयोग था कि ग्रहम बेल का आवेदन एलिशा ग्रे के आवेदन से बस 2 ही घंटे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसलिए 7 मार्च 1876 को ग्रहम बेल को पेटेंट नंबर 174465 आखिर दे ही दिया गया। पेटेंट यानी पंजीकरण, जो आविष्कारक को उसे बनाने और बेचने का कानूनी अधिकार देता है। 3 दिन बाद 10 मार्च का ऐतिहासिक दिन, शहर बॉस्टन, ग्रहम बेल और थॉमस वॉटसन दोनों अपने अपने कमरों में अपने अपने प्रयोगों में जुटे हुए थे। माजरा ये हुआ कि ग्रहम बेल तार के एक टुकड़े को एसिड यानी अम्ल में रखकर जानना चाहते थे कि क्या होता है। अब मैं इस ट्रांसमीटर पर प्रयोग करता हूं। अब इस तार को जरा एसिड में डालकर देखो। देखता हूं क्या होता है। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? रिसीवर लगाना तो भूल ही गया। रिसीवर तो लगा लूं। हाँ, अब ठीक है। एसिड मेरे पैरों पर गिर गया। मिस्टर वॉटसन, कृपया जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। बॉस, बॉस, मुझे आपका एक एक शब्द रिसीवर पर बिल्कुल साफ सुनाई दिया। क्या कह रहे हो? क्या मेरी आवाज? जी बॉस, मुझे आपकी आवाज, आपका बोला हुआ एक एक शब्द रिसीवर पर सुनाई दिया। अद्भुत, अद्भुत, वंडरफुल। वॉटसन, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। ऐसा ही लगता है सर। बधाई हो सर, बधाई हो। तुम्हें भी वॉटसन। ग्रहम बेल दर्द को भूलकर खुशी से नाच उठे। इतिहास रचा जा चुका था। ग्रहम बेल पहले व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल किया था, और वॉटसन ने भी पहला टेलीफोन कॉल सुनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। आज हम टेलीफोन पर सबसे पहले हेलो कहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है ढेरों भूल पर कहे गए शब्द थे। दो महीने बाद ग्रहम बेल कनाडा के ब्रेंटफोर्ड शहर में अपने घर गए और टेलीफोन को और अधिक दूर तक पहुंचाने के कार्य में जुट गए। टेलीफोन अब एक हकीकत बन चुका था, और अब ग्रहम बेल ने सोचा कि क्यों ना इस यंत्र के सार्वजनिक प्रदर्शन की तैयारी की जाए। इसी साल यानी 1876 में 10 मई के दिन अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का समारोह, एक महान उत्सव, फिलाडेल्फिया के बॉस्टन शहर में अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेस के सामने। इस समारोह में विभिन्न आविष्कारों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिनकी मौलिकता व श्रेष्ठता की जांच के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन भी किया गया था। स्कॉटिश विलियम थॉमसन और अमेरिकन जोसेफ हेनरी जैसे नामी गिरामी भौतिक विदों के अलावा ब्राजील के सम्राट पेड्रो भी उस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। निर्णायक गण आविष्कारों के स्टॉल देखते देखते थक गए थे, अतः तय किया गया कि शेष सभी यंत्र कल देखे जाएं। पर तभी
सम्राट पेड्रो की नजर ग्रहम बेल पर पड़ी। एक वर्ष पूर्व ही मूक बधिरों के स्कूल में उनकी मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए उन्हें ग्रहम बेल को देखकर उत्सुकता हुई। ग्रहम बेल, तुम यहाँ कैसे? सम्राट महामहिम, मैं यहाँ अपना नया आविष्कार प्रस्तुत करने आया हूँ। लेकिन अफसोस, कल ही मुझे यहाँ से जाना है, अतः मैं अपना आविष्कार प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम आज अभी तुम्हारा आविष्कार देखते हैं। सम्राट, यस, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया वहाँ रखी मशीन के पास जाइए। ओके। और रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाइए। ओह यस। सम्राट पेड्रो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? वाह, कमाल है ग्राहम, दिस मशीन रियली स्पीक्स, ये तो बाकायदा बोलता है। साथियों, मुझे पूरा यकीन है ये एक ऐसा चमत्कारी आविष्कार है जो दुनिया भर के लोगों के जीने का तरीका ही बदल देगा। फिर तो देखते ही देखते ग्रहम बेल की ख्याति चारों ओर फैल गई। 1877 में आम जनता को टेलीफोन उपलब्ध हुआ। टेलीफोन के आविष्कार के दो वर्षों के भीतर ही ग्रहम बेल ने टेलीफोन संचार के एक विशाल नेटवर्क की ऐसी कल्पना की जिससे अमेरिका के हर शहर, हर नगर और गांव को आपस में जोड़ा जा सके। इस कड़ी में न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाली 5,440 किलोमीटर लंबी एक टेलीफोन लाइन डाली गई और इसका उद्घाटन करने के लिए ग्रहम बेल को न्यूयॉर्क में बुलाया गया। उनके कहने पर सहयोगी थॉमस वॉटसन को लाइन के सैन फ्रांसिस्को छोर पर बिठाया गया। साथियों, न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने वाली टेलीफोन लाइन के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। हमें बड़ी खुशी है कि इस 5,440 किलोमीटर लंबी लाइन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं अलेक्जेंडर ग्रहम बेल हमारे बीच मौजूद है। अब मैं श्री ग्रहम से इस लाइन का उद्घाटन करने का अनुरोध करती हूँ। आइए मिस्टर ग्रहम। मिस्टर वॉटसन, कृपया यहाँ आइए, मुझे आपकी जरूरत है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद बॉस, लेकिन इस बार मुझे आने में एक हफ्ता लग जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल फोन कॉल, Alexander Graham Bell repeats the words he spoke to Watson almost 40 years earlier. 75 वर्ष की उम्र में 2 अगस्त सन 1922 को लंबी बीमारी के बाद अपनी पत्नी मेबल के अनुरोध मुझे छोड़कर मत जाइए के प्रत्युत्तर में नहीं कहते हुए ग्रहम बेल ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर सारा विश्व स्तब्ध रह गया। महान वैज्ञानिक के सम्मान और याद में अमेरिका और कनाडा के सारे फोन एक मिनट के लिए मौन रहे। ये एक महान व्यक्ति की अंतिम यात्रा की अंतिम श्रद्धांजलि थी। वे
वैसे तो ग्रहम बेल मुख्यतः टेलीफोन के लिए जाने जाते हैं, मगर कई अन्य आविष्कार भी उनके खाते में हैं, जैसे बधिरों के काम में आने वाला ऑडियोमीटर, जिससे अलग अलग ध्वनियों को सुनने की क्षमता को मापा और जांचा जाता है। जब जब ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई बेल और डेसिबल का जिक्र आता है, तो इस बहाने इस महान वैज्ञानिक बेल की याद ही तो हम दोहराते हैं।